राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रमुख कमेटियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचिन पायलट को 8 कमेटियों में से किसी का भी अध्यक्ष नहीं बनाया गया है। सियासी जानकार कांग्रेस आलाकमान की रणनीति के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में साल के अंत में चुनाव होने हैं। सीएम अशोक गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कमेटियों का गठन किया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि पार्टी में गुटबाजी दूर नहीं हुई है। सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ कोर कमेटी में तो हैं, लेकिन किसी भी कमेटी की अध्यक्षता नहीं कर रहे हैं। पिछले 4 साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ कई बार बगावती तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को सिर्फ 2 कमेटियों में जगह दी गई है। ये दोनों कमेटियां भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कैंपेन कमेटी में पायलट को स्थान न देकर सीएम के बेटे वैभव गहलोत को जगह देने पर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिए अब मजबूरी नहीं है। बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली में गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराई थी। हालांकि पायलट को पार्टी ने AICC का सदस्य भी बनाया, लेकिन जिस तरह से चुनाव में पायलट को बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी, इससे अब एक बार फिर खींचतान बढ़ सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं देकर कांग्रेस आलाकमान ने संकेत साफ दिया है कि पायलट को चुनाव से दूर ही रखा जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट सबसे लोकप्रिय चेहरा है। सचिन पायलट की न केवल अपने गुर्जर समाज में बल्कि समाज के अन्य वर्गों में भी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सियासी जानकारों का कहना है कि राज्य में 1 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां के गुर्जर वोटर्स हार जीत में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। चुनाव से पहले पायलट को साइडलाइन करना पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। जानकारों की माने तो सचिन पायलट की अनदेखी का फायदा BJP को भी मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।